अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सेकेंड ईयर। और आज हम होम्योस्टेसिस के नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस दैट व्हाट एक्चुअली इट इज़, और फिर इसके जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अलॉन्ग विद दैट वी हैव डिस्कस्ड द कंपोनेंट्स ऑफ एनी होम्योस्टैटिक सिस्टम, और उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी रिगार्डिंग द फीडबैक मैकेनिज्म दैट हाउ द बॉडी इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं तो हमारी बॉडी में जिन चीज़ों को वो अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज है या वाटर लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली हमारी बॉडी किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करती है, कैसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कैसे वो हॉर्मोन्स किन अफेक्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं, एंड हाउ द बॉडी इज़ गोइंग थ्रू ऑल दीज स्टेप्स टू मेंटेन इटसेल्फ। सो टुडे हम उसी की एक सब ब्रांच को कह रहे हैं, डिस्कस करें होम्योस्टेसिस की, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन में हमारे पास क्या है जी, के सबसे पहले द थिंग इज दैट वी नीड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी जस्ट राइट। वी नीड अ वेरी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइक वाटर और इन द सेल्स एंड इन द बॉडी एज सच। सो अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर लेसर होती है तो दैट वुड बी गोइंग टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन से ये इट इज़ नॉट एक्चुअली अ थिंग, हम तो उसको एक वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इट इज़ एक्चुअली डिहाइड्रेशन, लेकिन होता ये है कि जब आप सेल की फिजियोकेमिकल नेचर पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि 90% ऑफ द साइटोसोल इज वाटर। जो साइटोप्लाज्म का एरिया होता है 90% दैट इज़ वाटर। अब वो वाटर हमें चाहिए एज अ मीडियम, और बहुत सारे रिएक्शंस के लिए वो एक सर्टन कंडीशन है, अगर वो वाटर अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन वुड नॉट गेट पॉसिबल। सो अब क्या होता है कि हमारे पास इफ वी आर हैविंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर देन वी कैन हैव अ लो ब्लड वॉल्यूम एंड वी कैन फेस अ शॉक एज वेल। और अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम ओवर फ्लूइड फील कर सकते हैं। सो द नीड ऑफ वाटर इज लाइक देयर एज अ नेसेसरी थिंग, बट इट मस्ट बी जस्ट राइट, जस्ट अप टू द मार्क। सो अगर हम सेल को देखते हैं तो हमारे पास सेल इज फेसिंग सर्टन काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स। सो इफ वाटर इज मोर आउटवर्ड इन द एनवायरमेंट, हम इसको कहते हैं कि ये हाइपोटोनिक एनवायरमेंट है। अभी इस पर जरा डिटेल में भी जाते हैं एनवायरमेंट की टाइप्स पे, फिलहाल आप उसको सिर्फ इतना समझें कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है इन द एनवायरमेंट। सो अब क्या होगा कि अलॉन्ग द डिफ्यूजन ग्रेडियंट चीज़ें मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सो वाटर नीड्स टू मूव इनवर्ड द सेल। इफ दिस इज मूविंग इनवर्ड द सेल तो सेल विल गेट फिल अप, और फिल अप होने के बाद अ पॉइंट विल बी देयर जब ये क्या कर जाएगा, सॉरी दैट वुड बी बर्स्ट, राइट। और अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी कम है आउटसाइड दी सेल लाइक इन द एनवायरनमेंट, तो अब क्या होगा कि वाटर विल टेंड टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन एंड कम आउट ऑफ द सेल, मेकिंग द सेल श्रिंक्ड और फ्लैक्सिड, राइट। सो हमारे पास जो बैलेंसिंग का मैकेनिज्म है, वाटर और सल्यूट्स की बैलेंसिंग का मैकेनिज्म है, दैट एज अ होल इज टर्म्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मो का क्या मतलब है, ऑस्मो है ऑस्मोटिक से, ऑस्मोटिक वाटर के लिए टर्मिनोलॉजी है। ऑस्मोसिस को डिफाइन कर लेते हैं पहले, हम जब ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो हम वाटर के लिए टर्मिनोलॉजी है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर की मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। और रेगुलेशन का क्या मतलब है, रेगुलेट करना, उसमें चेंजेस लेके आना, समथिंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड। पिछले लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि बॉडी इज जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, जिसको बार बार चार्जिंग की जरूरत है। सो सेम इज़ द केस विद इन लाइक आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी हमें बार बार ऑटो ट्यूनिंग की जरूरत है, बिकॉज जो एक्सटर्नल कंडीशन हैं दे आर नॉट फिक्स्ड, राइट। तो अब क्या होता है कि ऑस्मोरेगुलेशन अब क्या चीज़ है, कि हम ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस लेके आते हैं बॉडी में, या हम ऑस्मोसिस के रेट को चेंज करते रहते हैं इन ऑर्डर टू कि वो मैच कर जाए हमारी जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है उसके साथ, ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमारे पास जब हम ऑस्मोटिक की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत सारे आयंस हैं जो इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयंस हैं और बहुत सारे, तो बहुत सारे सॉल्ट्स और सॉल्यूट्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं।
सो जब हम इसको ओवरऑल डिफाइन करते हैं पूरी टर्मिनोलॉजी को, तो हम कहते हैं कि इट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंसनट्रेशन इन साइड द बॉडी. आई रिपीट, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस विद इन द बॉडी. ठीक है जी. और ये होम्योस्टेसिस की बेसिक एक कैटेगरी है. तो होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो एक्सटर्नल हार्म्स हैं, जो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उनसे प्रिवेंट करती है जब कोई भी बॉडी खुद को बाय इनिशिएटिंग सर्टन मैकेनिज्म्स, तो हम उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस. और उसी में जब वाटर की बात आती है तो दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. अच्छा, अब इसके रेफरेंस से हमने, क्योंकि एनिमल्स के रेफरेंस से पढ़ना है इसको, तो इसके रेफरेंस से प्लांट्स का आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इन 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर में, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स. अच्छा, अब अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन को देखते हैं तो हम इसकी बेसिस के ऊपर दो अप्रोचेस देखते हैं. एक हमारे पास है जी ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक हमारे पास है जनाब ऑस्मो रेगुलेटर्स. अब ज़मीन पे जितने भी जानवर हैं, जितने भी आप लिविंग्स को देखते हैं, मतलब प्लांट्स को छोड़ के, तो या तो वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे या वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होंगे. इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में लाए ज़रूर करेंगे. पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है, और फिर देखते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स से रिलेटेड कोई भी एनिमल है तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसे अपनी ऑस्मोलैरिटी को मैनेज करता है, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मैनेज करता है. सो कम ऑन, ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स दो टर्मिनोलॉजीज हैं. अगेन इसके अंदर भी ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कन्फर्मर्स. अच्छा, ऑस्मो के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वाटर के रेफरेंस से है. अच्छा, अब कन्फर्मर्स का क्या मतलब है? कन्फर्मर्स का मतलब है कि दे आर लाइक इन अ कन्फर्म स्टेट, जैसे उनका नाम बता रहा है. दे आर आइसोटोनिक टू एनवायरमेंट, दे डोंट नीड टू मैनेज दैट, उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है. जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर दे आर सर्वाइविंग एज सच. और ऑस्मो रेगुलेटर्स का मतलब ये है कि उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, राइट? अच्छा, अब मैं इसके पॉइंट्स आपको साथ साथ लिख भी देती हूँ आपकी ईज के लिए. हमने कहा कि दीज आर आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर है, विद रेफरेंस टू दैट दीज आर आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का क्या मतलब है? कि इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है कंडीशंस को, राइट? सो हम कहते हैं दे डू नॉट नीड टू बैलेंस दैट ऑस्मोटिक पोटेंशियल. इनको जरूरत नहीं है बैलेंस करने की. मतलब क्या हुआ? कि दे वुड नॉट यूज एनर्जी टू डू दैट. इनको अपनी एनर्जी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएं जिसके थ्रू ये वाटर को बैलेंस करें. ये ऑलरेडी दे आर लाइक बैलेंस टू द एनवायरनमेंट, दे आर लाइक आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट, राइट? लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो हम ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या कहते हैं कि दे आर द रेगुलेटर्स, यानी ये रेगुलेट करेंगे, दे विल ब्रिंग अ चेंज. ठीक है, एक बात माइंड में रखनी है, सारी बातें ऑस्मो रेगुलेशन के रेफरेंस से हो रही हैं. सो दे वुड ब्रिंग अ चेंज, ये कोई चेंज लेके आएंगे, यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इन्हें पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा है कि जी ये ठीक नहीं है, हमने अपने अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना है. ठीक है जी. सो उसने क्या किया? उसने कहा कि जी दे विल ब्रिंग अ चेंज एंड दे वुड डेफिनेटली यूज एनर्जी फॉर दिस एज वेल. एनर्जी को यूज करेंगे ये. क्यों एनर्जी को यूज़ करेंगे? बिकॉज दे हैव टू रेगुलेट दी, दे हैव टू इनिशिएट दी मैकेनिज्म्स जो उनके वाटर लेवल को बैलेंस करें. ठीक है, अब जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं, राइट? हम जो है वो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस, जैसे आपने पिछले लेक्चर में एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक एग्जाम्पल दी थी, तो वो क्यों एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्टिवेट हो रहा है? बिकॉज योर बॉडी इज लाइक मैंशनिंग इट, योर बॉडी इज डिटेक्टिंग इट के बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. सो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स आर देयर जो क्या करेंगे? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराएंगे. आपके जो नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स और कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, उनको दे वुड मेक मोर परमिएबल टूवर्ड्स वाटर. सो दे व्हेन दे वुड बिकम मोर परमिएबल तो वाटर वुड रिटेन इन साइड योर बॉडी. जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेन होगा तो अगेन वो हाइपोथैलेमस को मैसेज चला जाएगा कि इतना दिस इज ओके. सो अब हमने क्या कहा कि ये रेगुलेटर्स हैं, दे विल हैव सर्टन मैकेनिज्म्स
डेफिनेटली इनकी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, कुछ मैकेनिज्म्स होंगे जिससे वो उस चेंज के अगेंस्ट जाएंगे, उस चेंज के अगेंस्ट बिहेव करेंगे, उसको रिड्यूस या एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू के क्या उस वक्त कंडीशन चल रही है. अच्छा, अब इसका मतलब है कि दे आर नॉट आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आपने ये सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. अब उसने कहा कि जी दीज आर रेगुलेटर्स, तो दे आर नॉट आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट. ज़ाहिर है रेगुलेट तभी करें ना, अगर कोई चीज़ आइसोटोनिक है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब है, तो उसको क्या जरूरत है कि फॉरवर्ड जाए रिएक्शन या बैकवर्ड जाए रिएक्शन, कोई जरूरत नहीं है. दोनों चीज़ें ऐसे लेवल्ड हैं, बैलेंस हैं, तो कोई जरूरत नहीं है. अब जब मूवमेंट होती है तो वो क्यों होती है, जब एक चीज़ यहाँ और एक चीज़ यहाँ, जब कोई डिफ्यूजन ग्रेडियंट आता है, जब कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है एक्चुअली, तो तब चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करती हैं, राइट. अगर आइसोटोनिक है तो फिर तो मूव करने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या होता है, आपके पास जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं दे वुड बी लाइक हाइपोटोनिक टू द एनवायरमेंट या दे वुड बी हाइपरटोनिक टू द एनवायरमेंट. ठीक है, ये एनवायरनमेंट से आइसोटोनिक नहीं है, या तो ये हाइपरटोनिक है टू द एनवायरनमेंट या फिर ये हाइपोटोनिक है. अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे है. आइसोटोनिक की तो बात होगी ना कि वो बैलेंस्ड है. अच्छा, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपो का मतलब है मोर वाटर, हाइपर का मतलब है लेस वाटर. ठीक है, कोई बंदा हाइपर हो जाता है तो उसको पानी देते हैं बिकॉज ही इज फेसिंग लेस वाटर ना. तो हाइपरटोनिक लेस वाटर, हाइपोटोनिक मोर वाटर, सल्यूट उससे ऑपोजिट कर लें आप. देखें हाइपोटोनिक के बारे में मैंने क्या कहा, मोर वाटर, इसका मतलब है लेस सल्यूट, डाइल्यूशन है यहाँ पे. और हाइपरटोनिक का क्या मतलब है, हाइपरटोनिक के बारे में मैंने कहा कि जी इसका मतलब है लेस वाटर एंड मोर सल्यूट. ये थोड़ा ज़्यादा लेस हो गया जज्बात में, इसको थोड़ा सा काम लेस कर देते हैं. सो दिस इज लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, यानी कंसंट्रेशन है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड है चीज़ें. ठीक है, सो दे नीड टू बैलेंस ना, कि या तो ये हाइपरटोनिक है एनवायरनमेंट के लिहाज से, या हाइपरटोनिक है तो ये आइसोटोनिक होने की कोशिश करते हैं. अब अगर इसमें देखा जाए ऑस्मो कन्फर्मर्स में, तो इसमें मेरे पास एग्जाम्पल्स आती हैं जी, हैग फिशेस जो क्लास मैगजनी में, मैगजनी के बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में, और इसके अलावा इलास्मोब्रैंकियस जिसमें मेरे पास शार्क्स आती हैं, और जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उनमें तो ह्यूमंस आते हैं मोस्टली, जो वर्टिब्रेट्स हैं टेरेस्ट्रियल वो सारे इसी के अंदर आते हैं. इसके अलावा अमीबा, प्रोटोजोन्स और जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा, प्रोटेस्टा वगैरह, वो सब इसके अंदर आते हैं और ह्यूमंस भी इसी के अंदर आते हैं. अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जिसमें हम आपको इन्वायरमेंट अभी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह के होते हैं. ओके, सो अब हम एनवायरनमेंट्स के बारे में देखते हैं कि किस तरह के एनवायरनमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, और फिर उससे रिलेटेड क्या क्या अडैप्टेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या अडैप्टेशंस हैं, हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर लाइक अडैप्टेड टू, या हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर लाइक रेडी टू कोप अप विद दोज कंडीशंस. सो अब हमारे पास क्या है कि तीन तरह के एनवायरनमेंट्स हैं जी. एक हमारे पास है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. अभी हम देख लेते हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं जो जो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर रह रहे हैं. एक है जी मेरे पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, और एक है जी मेरे पास आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. अच्छा, अब आइसोटोनिक का तो कोई ऐसा इशू नहीं है बिकॉज दैट इज इन एन इक्विलिब्रियम टू द एनवायरनमेंट, तो इसको हम देते हैं छोड़. हाइपोटोनिक की बात की जाए यानी मोर वाटर, तो इसका मतलब है कि ये किस की बात हो रही है, वी आर लाइक टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर बॉडीज. ठीक है, अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ में क्या होता है कि देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ वाटर. इनका प्रॉब्लम ये है टू मैनेज दैट एक्सेस ऑफ वाटर जो एनवायरनमेंट में, प्लस इनके पास क्या है, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स इनके पास हैं डेफिशिएंट और वाटर इनके पास है एक्सेस में, जो हर तरफ से इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, राइट. तो इनके पास ये प्रॉब्लम है जिसको इन्होंने सेटल आउट करना है. अब अगर हाइपरटोनिक की बात की जाए तो जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस वगैरह हैं वो इसके अंदर आएंगी. अगर हाइपरटोनिक की बात की जाए तो हाइपरटोनिक हमारे पास होता है मरीन एनवायरनमेंट, यानी जो सी वाटर है आपका.
अगर मरीन एनवायरनमेंट की बात की जाए तो देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर आउटवर्ड, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस दैट द ऑर्गेनिज्म इज हाइपोटोनिक टू द एनवायरनमेंट. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के रेफरेंस से हाइपोटोनिक है, क्योंकि जो भी वाटर प्रेजेंट है बाहर उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, राइट. तो अब क्या होता है कि देयर इज एन एक्सेस ऑफ सॉल्ट. तो इस एक्सेस ऑफ सॉल्ट को मैनेज करना है. वाटर तो है लेकिन वो बहुत कंसंट्रेटेड है. आप इसके लिए अपनी ईज के लिए इसके साथ बेशक ये भी नोट डाउन करें कि देयर इज़ अ बल्क ऑफ कंसंट्रेटेड वाटर आउटवर्ड. तो इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम ये है कि सॉल्ट को मैनेज करना है, बिकॉज व्हेन दे विल गेट वाटर इनवर्ड तो साथ ही सॉल्ट भी आ जाएंगे. अब सॉल्ट तो इनकी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कंसंट्रेटेड है वाटर. सो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमें फेस करने को मिलता है. और अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि दी बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इज हाइपोटोनिक टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बाहर वाटर शॉर्टेज का एक्चुअली प्रॉब्लम है. अगर हम डेजर्टस भी कंडीशंस आ जाती हैं टेरेस्ट्रियल में, तो टेरेस्ट्रियल में दो तरह की चीज़ें हैं, मॉडरेट भी हो सकती हैं और डेजर्टस कंडीशंस भी हो सकती हैं. मॉडरेट कंडीशंस में देयर आर नो दैट सच बिग प्रॉब्लम्स, बट अगर डेजर्टस कंडीशंस में आप देखते हैं तो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय दैम इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर. हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर अवेलेबल ही नहीं है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास हम एक एक करके अब इन इंडिविजुअल्स की लाइक इंडिविजुअल अडेप्टेशंस देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये वर्क करें. अच्छा, अगर हम मरीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो मरीन एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट आउटवर्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेटेड वाटर है. सो अब इसने क्या करना है, जो भी मरीन इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने क्या करना है कि इस सॉल्ट को बैलेंस करना, ठीक है जी. अब कहाँ पे इनकी अडेप्टेबिलिटीज़ कहाँ पे हैं, अडेप्टेबिलिटीज़ क्या हैं जी. नंबर वन, अब हम देख लेते हैं इनकी अडेप्टेशंस, ठीक है जी. सो पहली अडेप्टेशन क्या है, दे ड्रिंक एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है जी. एक तो ये सी वाटर ले लेती हैं बहुत बल्क क्वांटिटी के अंदर, ठीक है. सेकेंड अडेप्टेबिलिटी क्या है जी, सेकेंड अडेप्टेबिलिटी है जी सॉल्ट प्लस वाटर फ्रॉम फूड इन ऑर्डर टू के ताकि बैलेंस रहे. अब ये सॉल्ट लेना क्यों ज़रूरी है, अब मतलब फूड से लेना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दे आर देयर टू मेंटेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनसाइड. अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा और बाहर से सॉल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर और वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम होगा. सो हमारे पास दे आर ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ फूड. इसके अलावा हमारे पास एक और अडेप्टेबिलिटी है इनकी जी, कंसनट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज ताकि हमारे पास वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम ना आए. नंबर फोर पे हमारे पास क्या है जी, नंबर फोर पे है सॉल्ट्स को मैनेज कैसे करना है. तो हमारे पास दो तरह के सॉल्ट्स हैं, एक हमारे पास है जी मोनोवेलेंट सॉल्ट आइंस, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है मेरे पास, क्लोरीन है मेरे पास, तो दीज आर ऑल मोनोवेलेंट. इसके अलावा मेरे पास डाईवेलेंट सॉल्ट आइंस भी हैं, जैसे मैग्नीशियम है और कैल्शियम, राइट. तो जो मोनोवेलेंट सॉल्ट आइंस हैं उनको जब रिलीज करना है, वेव ऑफ करना है फ्रॉम दी बॉडी, तो दैट इज़ बाय दी गिल एपिथेलियम, जबकि जो डाईवेलेंट आइंस हैं वो हमारे पास रिमूव होते हैं बाय दी हेल्प ऑफ किडनीज, ठीक है जी. मोनोवेलेंट आइंस के लिए देयर इज गिल एपिथेलियम, वाइल फॉर दी डाईवेलेंट आइंस देयर इज किडनीज, ठीक है जी. इसके अलावा हमारे पास एक फिफ्थ अडेप्टेबिलिटी भी है इनकी, that is the presence of rectal glands. Okay जी, so rectal glands are the special salt secreting glands जो salts को wave off करते हैं from the body, और ये rectal glands basically आपके पास rectum की wall के ऊपर present होते हैं. अब ये सारी adaptabilities ना आपको इस diagram में इसने explain की हैं. Drinking of a lot of sea water ताकि water का एक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश रहे और बाहर से कंसंट्रेटेड वाटर आपके पास जो है
मतलब उसमें जो सॉल्ट्स होंगे वो फिर मैनेज कर लिए जाएंगे, लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर इसलिए ताकि हमारे पास क्या हो, वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम ना आए, बॉडी के अंदर वाटर की एक क्वांटिटी सस्टेन रहे। सेकेंडली टेकिंग अप ऑफ सॉल्टी फूड, यानी वाटर और सॉल्ट दोनों कुछ फूड से लिए जाते हैं। वाटर इज लाइक लीविंग थ्रू गिल कैपिलरीज, जब एक्सेस में हो जाता है तो उसको फिर रिमूव करने के लिए गिल कैपिलरीज हैं। उसके अलावा देयर इज एन एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स। अब एक्टिव एक्सक्रीशन इसको क्यों कहा है, बेसिकली होता ही है कि बाहर आपके पास बहुत बल्क में है सॉल्ट और बॉडी के अंदर तो जाहिर है उसके कंपैरिजन में कम है सॉल्ट। सो एक्टिव सिक्रीशन का मतलब ये हुआ कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में बाय द यूजेज ऑफ एनर्जी, सो दे यूज द एनर्जी टू वेव ऑफ द सॉल्ट्स। अब मैंने वो आपको बता दिया कि अगर मोनोवेलेंट सॉल्ट होगा तो गिल कैपिलरीज के थ्रू, गिल एपिथीलियम के थ्रू, और अगर डाइवेलेंट होगा तो दैट वुड बी रिमूव बाय द किडनी, वो रीअब्सॉर्ब होगा किडनी के थ्रू और फिर रिमूव होगा। और फिर स्पेसिफिक हमारे पास सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं विच आर लाइक रेक्टल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट एट द वॉल ऑफ द रेक्टम। सो ये आपके पास एक्सेस ऑफ सॉल्ट को मैनेज करने के लिए, इसके अलावा कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज होता है, तो ये सब इनके अडेप्टेशन हैं। सो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बाद। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ये है कि देर इज़ एन एक्सेस ऑफ वाटर, सो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम के वाटर शॉर्टेज है या सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बल्कि देर इज़ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, या आप लेसर क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट कह सकते हैं विद इन दी एनवायरमेंट। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन ये है कि वाटर बहुत एक्सेस में है और सॉल्ट बहुत डेफिशेंट है। तो अब इन्होंने क्या करना है, इनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाटर अवेलेबल नहीं है, इनका प्रॉब्लम ये है कि उस एक्सेस वाटर के साथ कैसे मैनेज करना है। सो अब होता क्या है कि देर आर सर्टन अडेप्टेशन, जैसे मेरीन इन्वायरमेंट की हैं तो इनकी भी अपनी कुछ अडेप्टेबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो तो ये है कि एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर, सो दे डोंट अप टेक वाटर, ये इंटेंसली वाटर को अप टेक नहीं करते जैसे मेरीन फिशेज करती हैं, बल्कि लाइक दे आर के क्योंकि एक्सेस में वाटर अवेलेबल ही है और उसकी कंसनट्रेशन भी कोई इतनी ज़्यादा कम नहीं है कि दे कांट अप टेक जब उनको चाहिए होगा, तो ये वाटर को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करती, आप ये इसको समझ रहे हैं। दे डोंट नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर वाटर ग्रेडियंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी को बॉडी के अंदर स्टोरेज की जरूरत नहीं है वाटर को। सो दे डोंट अप टेक वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दे आर टेकिंग सॉल्ट बाय द फूड्स, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में भी सॉल्ट्स बहुत डेफिशिएंट हैं। इसके अलावा दे आर एक्टिवली अप टेकिंग दी सॉल्ट्स, ठीक है, एक इनकी अडेप्टेबिलिटी है कि ये अप टेक करते हैं सॉल्ट्स को, और दे प्रोड्यूस डाइल्यूटेड यूरिन इन ऑर्डर टू रिमूव द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, अब इनकी जो अडेप्टेबिलिटीज हैं, हाउ दीज थिंग्स लाइक आर गोइंग टू हैपन, कि ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन किस तरह से होती हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर वन ये कि दे टेंड टू रीअब्सॉर्ब सॉल्ट्स बाय द हेल्प ऑफ किडनीज, किडनीज आर स्पेशलाइज टू रीअब्सॉर्ब सॉल्ट्स। सो अब ये क्या करते हैं कि ये रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि बाहर तो वैसे ही सॉल्ट्स कम है, सो दे डू नॉट वॉन्ट टू रिलीज आउट दो सॉल्ट जो थोड़े बहुत इनके पास हैं, ये उसको कंजर्व रखना चाहते हैं, तो ये उसको किडनीज के थ्रू रीअब्सॉर्ब करते हैं। सेकेंड हमारे पास आयनोसाइट्स आते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आयनोसाइट्स हमारे पास स्पेशल सेल्स हैं, शायद ये टर्मिनोलॉजी आपने कभी पढ़ी भी ना हो। दीज आर स्पेशलाइज सेल्स विच आर हेल्पफुल टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट दी सॉल्ट्स फ्रॉम दी मीडियम, लाइक हमारे पास फ्रॉम दी मीडियम इस तरह से, क्योंकि अभी आपने कहा कि बाहर इन्वायरमेंट में मीडियम उसका वही इन्वायरमेंट है जिसमें वो प्रेजेंट है, तो सॉल्ट्स की क्वांटिटी क्या है, रेयर, कम, तो उसने अब जब कम कंसनट्रेशन से एक चीज़ को ज़्यादा कंसनट्रेशन में लेके आना है तो दैट इज समथिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो आइनोसाइट्स हमारे पास वो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ की बात करें तो अमीबा और प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं, तो अमीबा और प्रोटोजोन में जो एक्सेस ऑफ वाटर है दैट इज़ ऑल बैलेंस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज दैट एक्सेसिव वाटर, वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू रिलीज होता है, वेव ऑफ होता है बॉडी से। इसके अलावा हमारे पास गिल्स और स्किन है, दैट इज़ फॉर दी पर्पज ऑफ लाइक एवेपरेशन जैसे, तो गिल्स और स्किन इज देयर जो कि हमारे पास रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस पूरे की एक अडेप्टेबिलिटी की बात करूँ मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की, वाटर बॉडीज में, वाटरी इन्वायरमेंट तो यही है, एक्वाटिकली हमारे पास या तो मेरीन होता है या फिर हमारे पास फ्रेश वाटर होता है, तो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज लाइक ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स हमारे पास यूजली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
और ये हमारे पास बॉडी की कंडीशंस को बैलेंस करने के लिए होते हैं। जो हमारे पास यूजली इसके अंदर आते हैं दैट इज़ यूरिया एंड TMAO, राइट। TMAO इज़ ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड और इसके अलावा हमारे पास जो है वो यूरिया इज़ देयर। ये दोनों बिहेव करते हैं एज ऑस्मोलाइट्स और ये बेसिकली सोल्यूट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं विद इन दी बॉडी। सो द फिशेज रिटेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन ऑर्डर टू के वो उसको मेंटेन रखे। अगर हम ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह से होता है, देयर इज अ नाइट्रोजन, ट्राईमिथाइल इसका मतलब है थ्री मिथाइल्स आर देयर, सो थ्री आर देयर, और ऑक्साइड यानी इसका ऑक्साइड है तो हेयर इट इज पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरह से ये एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपके पास। सो यूरिया की जो अमाउंट है एक्सेसिवली उसको बॉडी में रखना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज दैट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर दी प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के जो एक कंसाइज स्ट्रक्चर होता है उसकी अनफोल्डिंग में कभी कभी काम करता है, यानी एज अ डिस्ट्रप्टर काम करता है यूरिया फॉर दी प्रोटीन्स अगर इसकी अमाउंट एक एडिक्वेट रेंज से ज़्यादा हो जाए। सो दे रिलाई ओवर ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड मोस्टली और ये हमारे पास बिहेव करती हैं दोनों चीज़ें एज ऑस्मोलाइट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सोल्यूट कंसनट्रेशन विद इन दी बॉडीज। अभी हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट रिमेनिंग है तो इसके बाद फिर हम उसको देखते हैं। ओके जी, सो आज के लेक्चर का जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज़ द ऑस्मोरेगुलेशन इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में दी प्रॉब्लम इज़ दी शॉर्टेज ऑफ वाटर। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एनवायरनमेंट में वाटर उस तरह से अवेलेबल नहीं है। सो दे आर गोइंग टू प्रिवेंट दोज एक्टिविटीज़ जो वाटर लॉस करने का कॉज हों। सो दे विल लाइक रिजर्व वाटर इनसाइड दी बॉडीज। तो इनकी अडेप्टेशन फिर उसी रेफरेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन पे हमारे पास है जी एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोड्स तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, राइट। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है विच इज़ हार्ड एंड टफ और वहाँ से वाटर की एवेपरेशन इतनी ईजिली नहीं हो सकती। सो वाटर रिमेन्स कंजर्व्ड इनसाइड दी बॉडी। सेकेंड पे हमारे पास है जी स्किन। तो यूजली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन इज हार्ड एंड दैट इज ऑफ कैरेटिन। कैरेटिन बेसिकली हमारे पास एक फिब्रस प्रोटीन है और फिब्रस प्रोटीन जो भी होती है दैट इज़ नॉट सॉलेबल प्रॉपरली विद इन दी वाटर। जैसे हमारे ये नेल्स और हेयर्स हैं तो वो कैरेटिन प्रोटीन के मिलकर बने हुए हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन बेसिकली ये स्किन के अंदर हैं इनकी मॉडिफिकेशंस। आगे कुछ आपको फूड हैबिट की मॉडिफिकेशंस हैं और कुछ उनके बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हैं। सो कंसनट्रेटेड यूरिन इज बेसिकली मेटाबॉलिक काइंड ऑफ अडेप्टेबिलिटी। सो मेटाबॉलिक काइंड ऑफ अडेप्टेबिलिटी में दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। सो दैट इज़ वाई लेस वाटर इज लाइक वेव ऑफ फ्रॉम द बॉडी और एग्जिट फ्रॉम द बॉडी एंड द वाटर रिमेन्स कंजर्व्ड इनसाइड। नंबर फोर इज़ द बिहेवियल वन विच इज़ द नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स दे आर अवॉइडिंग द डे हीट एंड दे इमर्ज आउट इन नाइट। और उसके बाद फिर हमारे पास है जी फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स में मेरे पास एक एग्जाम्पल है जी कैंगरू रैट्स की। डेजर्टस एनिमल्स में इनको लिया जाता है यूजली और टेरेस्ट्रियल में। तो कैंगरू रैट्स जो हैं दे बेसिकली रिलाई अपॉन दी सीड्स और सीड्स क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होते हैं सो दैट इज़ वाई वो अपना जो वाटर का प्रोपोर्शन है उन सीड से अटेन करते हैं। सीड फूड लेते हैं और सीड फूड इज़ एक्चुअली अ सोर्स ऑफ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला देखें तो दैट इज़ CXH2OY। सो दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर देम। तो ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट डायरेक्टली ड्रिंकिंग दी वाटर। और उसके बाद एक और हमारे पास है जी एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस इज कॉमन इन कैमल्स क्योंकि वो बहुत टाइम तक पानी पिए बगैर भी दे कैन सर्वाइव। दे स्टोर वाटर इनसाइड देयर स्टमक सो दैट इज़ वाई दे कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अलॉट मैनी डेज। तो ये एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर और आई थिंक आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। If you have any question, you may ask in your related QE session as well as in your Google Classroom class anytime. Thank you so very much.